तो बच्चों आज मैं आपके सामने लेके आया हूं स्ट्रेटेजी की लास्ट मंथ अब बचा है हमारे पास और प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं सर मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है एक बार फॉलो करके देखना रिजल्ट आएगा ही आएगा आई गारंटी यू ध्यान से चलिए देखिए अब तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बिजनेस स्टडीज को पढ़ने की अब लास्ट मंथ है हमारे पास तो ब्रॉडली अगर मैं बात करू तो दो पार्ट में आपका पूरा सिलेबस डिवाइड है पार्ट बी जिसके अंदर चार चैप्टर हैं थर्टी मार्क्स की वेटेज वहां पर है

सोर्स में ईपीएस हाई होगा ईपीएस ज्यादा होगा अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगा डेफिनेटली आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो वाला जो क्वेश्चन है अगर प्रिपेयर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा और न्यूमेरिकल के अंदर वहीं पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा उसके बाद है फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर नंबर टेन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल पॉइंट्स की बात कर रहा हूं उसके अंदर से जितने भी इंडिविजुअल पॉइंट है छोड़कर मत जाना मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एक एक इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से समझ लेना एज इट इज के स्टडीज फ्रेम हो सकती हैं किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर के स्टडी पूरी पढ़ोगे इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ठीक है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट सेबी के फंक्शन डीमेट का प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर राइट तो डी मैट सेबी फंक्शन सेबी के वेरी इंपॉर्टेंट इसको आप छोड़कर नहीं जाओगे उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट अपने आप में बड़ा चैप्टर है इसको आराम से दो दिन लगाना मार्केटिंग फिलोसफीज बहुत अच्छे से करके जाना बच्चे ठीक है फिलोसफीज के अंदर आपकी जो फिलोसफीज है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है राइट right? और ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है तो वो जो फिलोसफीज है ना उन फिलोस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे अच्छे से उसके बाद ऑलमोस्ट आपका फोर पीज के अंदर पूरा चैप्टर कवर हो जाता है तो फोर पीज के अंदर हर सब टॉपिक हर छोटा टॉपिक फोर पीज अच्छे से कर लेना प्राइज प्लेस प्रमोशन प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है छोड़कर नहीं जाओगे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग मुझे लग रहा है कि इस बार इंपॉर्टेंट है बिकॉज पब्लिक रिलेशनशिप पब्लिक जो रिलेशन वाला जो पॉइंट है वो मेरे को इतना रेलिवेंट लग नहीं रहा बट मेक श्योर sure इन दो को तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाओगे आप ठीक है ये इनको प्रायोरिटी प्रायरिटी रखो तो ऑलमोस्ट इस तरीके से आप मार्केटिंग मैनेजमेंट कवर करेंगे ठीक है उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर की बेसिक डेफिनेशन कंज्यूमर के सारे राइट्स हर राइट्स के साथ सारे राइट्स राइट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं केस स्टडी भी फ्रेम हो सकती है स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछा जा सकता है कंज्यूमर रिलीफ एंड रेमेडीज क्या क्या है, क्या है? मैं कहां जाकर गुहार लगा सकता मशीनरी वेरी इनको नहीं छोड़ोगे आप अब, अब आ जाइए पार्ट बी अब पार्ट बी के अंदर सबसे पहला चैप्टर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बड़ा चैप्टर है मैनेजमेंट में क्या करोगे टाइम लगाओ दो दिन पूरे लगाओ हैनरी फ्यूल के सारे प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझना है विद एक्साम्पल्स विद केस स्टडी बहुत अच्छे से समझो कि क्या है इस प्रिंसिपल का मतलब एफडब्ल्यू टेलर की टेक्निक्स वेरी इंपॉर्टेंट है कुछ भी छोड़ना मत प्रिंसिपल मैनेजमेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम हो जाता है उसमें ठीक है बिजनेस एनवायरमेंट बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर फीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट है अभी याद कैसे करना है क्या स्ट्रेटेजी होगी आगे डिस्कस करने वाला हूं तो वीडियो को लास्ट तक देखना ठीक है तो बिजनेस एनवायरमेंट उसके बाद प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग अब स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग में ऑलरेडी क्विक रिवीजन वीडियो आ चुकी है चैनल के ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाकर देखो और जिस पीपीटी से मैंने वहां पर समझाया है उसकी पीपीटी की लिंक भी आपको मिल जाएगी तो वहां से भी आप गो थ्रू कर सकते हो चीजों को रिवाइज कर सकते हो ट्वेंटी मार्क्स इन तीन चैप्टर के अंदर और कंट्रोलिंग तो बहुत सिंपल चैप्टर है सिर्फ प्रोसेस के अंदर ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है तो इसको तो बिल्कुल छोड़कर जाना ही नहीं है स्टाफिंग डायरेक्टिंग और इनकी क्विक रिवीजन वीडियो अवेलेबल है तो वैसे ही मत छोड़ना रिवाइज करो बार बार वीडियो को देखते रहो और नोट्स को पढ़ते रहो तो कॉन्सेप्ट आपको वहां से रिवाइज हो जाएगा और टारगेट रखना है कि दस सैंपल पेपर दस सैंपल पेपर को टारगेट करना है अगर लिख कर देख रहे हो करके देख रहे हो तो दस सैंपल पेपर को सॉल्व करोगे अदरवाइज कहीं भी लिखकर प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी पार्ट ए को ध्यान से देखिए तो स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी के अंदर टारगेट मैंने, मैंने क्या बोला कि दस सैंपल पेपर को टारगेट करके चल रहे हो टेन सैंपल पेपर मिनिमम टारगेट कर रहे हो और सैंपल पेपर कोई भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगता है सैंपल पर उठा लो जो भी आपको अच्छा लगता है वो सैंपल उठा सकते हो इसके अलावा ग्रूमिंग की वेबसाइट पर आप आओगे तो वहां पर आपको एम मिल सकते हैं ठीक है इसके अलावा आपको जो भी अच्छा लगता है सैंपल पेपर मार्केट में जो भी आपको बेस्ट लगता है आप उसको ले लीजिए दस सैंपल पर टारगेट करिए सीबीएसई का सैंपल पर मत छोड़ना सीबीएसई का जो सैंपल पर जो रिलीज हुआ है प्री बोर्ड के पेपर मिल जाते हैं बहुत अच्छी चीज है दूसरे स्कूलों के ठीक है और सपोर्टिंग है तो और भी अच्छी चीज है ठीक है उसके बाद है सबसे पहले टारगेट करोगे प्रोसेस प्रोसेस के अंदर क्या प्लानिंग प्रोसेस स्टाफिंग प्रोसेस 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 कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस प्रोसेस ये जो है ना प्रोसेस को बार बार रिपीटेशन में रीड करो और टारगेट करना है सैंपल पेपर क्वेश्चन को प्रोसेस के अंदर से अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा उसके लिए टारगेट करो सैंपल पेपर क्वेश्चन को सैंपल पेपर क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपको प्रोसेस को टारगेट करना है प्रोसेस के बाद किसको टारगेट करें सर प्रोसेस के बाद आता है इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस एंड मेरिट्स इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस एंड मेरिट्स वाले टॉपिक रिपीट रीडिंग ऑन डेली बेसिस जिस भी बुक से आपने अब तक पढ़ाई करी है बार बार उसी से रिपीट करो रीड करो बार बार रिवाइज करो बार बार बुक को उठाओ डेली बेसिस पर थर्टी मिनट्स निकालो पंद्रह बीस मिनट निकालो पच्चीस मिनट निकालो बट रिपीट रीडिंग फॉर इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस एंड मेरिट्स

टारगेट करना और बार बार रिपीटिशन में आपको रीड करना है उसके बाद है फीचर्स करेक्टरस्टिक्स एंड फीचर्स एंड के अंदर क्या क्या फीचर्स एंड करेक्टिस्टिक्स के अंदर आपके आठों चैप्टर के अंदर फीचर्स एंड फीचर के अंदर मैं बात करूंगा कि फीचर्स एंड करेक्टिस्टिक्स पे स्पेसिफिकली भी पूछा जा सकता है डायनामिक like फीचर है इसके अलावा क्या कर सकते हो इसके लिए आप टारगेट करो कि निमोनिक फ्रेम कर लो ठीक है जो भी आपको अच्छा लगता है सबका फर्स्ट लेटर पिक करो एक वर्ड फ्रेम करो उससे चीजों को याद रख पाओगे याद रहेंगी रिमेंबर कर पाओगे ठीक है तो निमोनिक्स फ्रेम करने की मैं यहाँ पर सलाह दूंगा कि फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस फीचर्स एंड करेक्टर के अंदर ठीक है तो फीचर्स एंड करेक्टरस्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट निमोनिक्स बनाओ चीजों को याद रखो पॉइंट्स को याद रखो उसके बाद लिमिटेशन एंड डिमेरिटिस सारे आठ चैप्टरों के अंदर लिमिटेशन डिमेरिट्स कहीं पर भी हैं छोड़ना नहीं है बार बार क्या करना है रिपीट रिवाइज बार बार बुक को आंखों के सामने से निकालो गो थ्रू करो ताकि चीजें परमानेंटली दिमाग में जाकर फिक्स हो जाए और टारगेट करने हैं दस सैंपल पेपर आगे प्रिपेयर रेस्ट ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब उसके बाद क्या होगा आठ चैप्टर जो इसके अंदर है फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जिसके अंदर स्टार्टिंग मैंने दस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं उसके बाद मैंने बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं इंडिविजुअल चैप्टर्स के अंदर उन टॉपिक्स को सबसे पहले टारगेट करोगे इन आठ चैप्टर्स के अंदर लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जाकर देखना उसको सबसे पहले उन्हीं को टारगेट करोगे उन्हीं टॉपिक्स को आठों चैप्टर के अंदर उन्हीं टॉपिक्स को सबसे पहले टारगेट करके समझोगे समझने पर जोर देना है उन टॉपिक्स को सबसे पहले समझो अच्छे से अच्छे से समझने के बाद रिपीट बार बार रिवाइज और उसके बाद फिर बोल रहा हूँ दस सैम्पल पेपर दैट्स इट मिनिमम ओके तो इस तरीके से मूव ऑन करोगे और होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अलावा मार्केटिंग बड़ा चैप्टर है कॉम्प्रोमाइज मत करना जो भी मैं उसके अंदर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसी भी प्रिंसिपल को रटने की जरूरत नहीं है समझो विद एग्जाम्पल जितनी ज्यादा हो सके बार बार कई स्टडीज को आंखों के सामने से गो थ्रू करो सैंपल पेपर्स को टारगेट करो कोई भी आपको अच्छा लगता है वो सैंपल पिक कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है ठीक है और बार बार करना है बार बार रीडिंग लगानी है किसकी डिमेरिट्स की और एडवांटेजेस इंपॉर्टेंस वाले जो टॉपिक्स हैं ठीक है लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स थैंक यू सो मच बच्चों जय श्री श्याम